मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। राज्य में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही यह फैसला लागू होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रदेश के सभी शहरों में लॉकडाउन लागू होगा। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद उन शहरों को लेकर फैसले लिए जाएंगे जहां केसों की रफ्तार अन्य क्षेत्रों के मुकाबले अधिक है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के चलते राज्य के सभी शहरी इलाकों में 8 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी 3 महीनों तक हफ्ते में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार ही कामकाज होगा। इस बारे में शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए आज बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी 3 महीने तक सप्ताह में 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कामकाज होगा। शनिवार रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4043 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए लोगों की कुल संख्या 3,18,014 तक पहुंच गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में इस महामारी से प्रदेश में 13 और लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक इससे मरने वालों की संख्या 4086 हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुधवार को कोविड-19 के 866 नए मामले इंदौर में आए जबकि भोपाल में 618 नए मामले सामने आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।